मध्य प्रदेश के मौसम में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते मौसम बदल गया है। प्रदेश के कई इलाकों में एक बार फिर से झमाझम बारिश हुई और कहीं कुछ इलाकों में ओले भी गिरे हैं। इससे कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा है और मौसम विभाग का कहना है कि 20 मार्च तक मध्य प्रदेश में आंधी पानी का दौर चलता रहेगा। वहीं प्रदेश के कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में से 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन में कहा गया कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिम विदर्भ पर बना हुआ है। यही नहीं, एक ट्रफ दक्षिण तमिलनाडु से विदर्भ तक, जबकि दूसरी ट्रफ झारखंड से तटीय आंध्र प्रदेश तक बनी हुई है और इसके साथ ही 20 मार्च की रात से एक और पश्चिम विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से एक्टिव होने जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन वेदर सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का माहौल बन सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है और इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 19 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हल्की सी मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी अलग अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होगी और इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटे के लिए पूर्वी मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासकर सागर, जबलपुर, शहडोल, सिवनी, बालाघाट, भोपाल, नर्मदापुरम, बैतूल सहित कई जिलों में बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।